आज हम एक अलग तरह का रायता बनाने जा रहे हैं, मखाना रायता। ये रायता उपवास में भी यूज हो सकता है। उसके लिए हमें आधा किलो दही लिया है, उसको फेंट के हमने स्मूथ कर लिया है। 20 ग्राम मखाने लिए हैं, आधा टीस्पून भुना हुआ जीरा पिसा हुआ, 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सेंधा नमक और कुछ हरे धनिया की पत्तियाँ। रायता बनाने से पहले हम मखाने को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। इसको कढ़ाई में डालेंगे, गैस चलाएंगे और इसको सिम पे 3-4 मिनट के लिए हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये मखाने हमारे रोस्ट हो गए हैं, अब हम गैस करेंगे बंद। इनको लो फ्लेम पे ही रोस्ट करना है, मीडियम या हाई पे नहीं करना, नहीं तो ये ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इनको अब हम एक प्लेट में निकालेंगे और ठंडा करने के लिए रखेंगे, फिर इनका रायता बनाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह से क्रंची होने चाहिए, ये ऐसे टूटने की आवाज़ आनी चाहिए, इस तरह होने चाहिए। मखाने हमारे ठंडे हो गए हैं, अब हम इनका रायता बनाते हैं। ये दही में सबसे पहले हम मखाने डालेंगे, फिर बाकी के मसाले डालेंगे, काली मिर्च, आप लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भुना हुआ जीरा, चीनी, सेंधा नमक और हरा धनिया। अब इनको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। दही में हमने सब चीज़ें मिक्स कर ली हैं, अब इसको हल्का सा कश्मीरी लाल मिर्च से ऊपर से गार्निश करेंगे थोड़ा सा। तो इसको अब फ्रिज में आधा घंटा के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, ताकि मखाने दही अच्छे से सोख तो ये लें। रही हमारी आज की रेसिपी, मखाने का रायता। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए, और हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।